मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की सियासी गर्माहट थमती हुई नजर नहीं आ रही है। हर पल चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में जबलपुर के बरगी विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ईडी और इनकम टैक्स द्वारा कार्रवाई कराने की बात कही गई। संजय यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी को समर्थन देने का प्रेशर बनाया गया और समर्थन ना देने की स्थिति में ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिए जाने की धमकी मिली है। इस तरह से प्रलोभन देकर कहीं खरीद पर करने की बात करते हैं। कल ही मुझे 5:30 बजे एक फोन आया, व्हाट्सएप कॉल से आया कि देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही आपके यहाँ भी होगी। तो मैंने उसको इसलिए नहीं लिया कि मेरे यहाँ कार्रवाई करके मेरे को डरा धमका के खरीद तो सकते नहीं, उनको मालूम है डरा धमका के मेरे को दबा नहीं सकते। तो इस तरह से मेरे साथ किया, सभी स्वाभाविक सभी विधायकों के पास कहीं ना कहीं से जो डर सकते हैं या जो झुक सकते हैं या जो बिक सकते हैं उनके ऊपर डोरी डालने का काम कर रही है। निश्चित रूप से कमलनाथ की सरकार है, कमलनाथ के साथ पूरी कांग्रेस जनमानस खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है।